सो गाइज अभी आपको दिखाते हैं पटना साइंस सेंटर में क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक है, तो एक एक करके सबको दिखाएंगे आपको। मैंने दिल्ली का साइंस सेंटर दिखाया था, अब पटना का दिखा रहा हूँ गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को यार। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं गाइज देखना। अगर आप आना चाहते हैं तो मैं यहाँ का बता देता हूँ आपको, ये है वेस्ट गांधी मैदान और ये चीफ जस्टिस के बगल में ही है। तो अभी हम लोग आ रहे थे गाइज, तो अभी एक्चुअली हम लोगों को रोका गया था क्योंकि चीफ जस्टिस का भी रास्ता इधर से ही है, तो अभी पुलिस वालों ने हमें रोका था 10 मिनट के लिए, तो अभी हम लोगों को आने दिया है। और चलिए एक एक करके आपको सारा दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। सो गाइज देख सकते हो, ये इसका बाहर का व्यू देख सकते हो आप। सो गाइज देख सकते हो ये है टाइगर मॉथ और ये एक्चुअली 100 साल पुराना है और ये काफ़ी पुराना है और इसका सबसे पहले यूज़ लंदन में किया गया था 1931 में और ये उस टाइम का काफ़ी पसंद किया जाने वाला टाइगर मॉथ जहाज है। इसको देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है ये। सो गाइज मिलिए इस रोबोट से, एक्चुअली इसमें बहुत सारी खासियत है, इसकी एक खासियत बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको पार्क में देखने को ये मिलेगा साइंस सेंटर में, ये रोबोट इतना खास है एक्चुअली आप इसके सामने आकर के, ठीक है ये देखो, यहाँ से आप इसके सामने आकर के इसके मुंह में बोलोगे आप तो एक और रोबोट है जो कि पीछे है, मैं आप इस रोबोट के सामने आप बोलोगे तो पीछे वाले रोबोट में सुनाई देगा, अगर वहाँ से आप जा करके बोलोगे तो इस वाले रोबोट पे सुनाई देगा। अभी हम लोगों ने ट्राई करा तो अभी हम चेक करते हैं, ठीक है तो अभी आपको दिखाते हैं। एक्चुअली बहुत कम आवाज़ आता है लेकिन सुनाई देता है, तो आप लोग आना तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो अभी चलिए ट्राई करते हैं गाइस, अभी देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ से तुम बोलना, ठीक है इधर देख लो, ठीक है यहाँ से तुम बोलना, ठीक है रेडी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है इस वाले रोबोट के पास जा रहा हूँ अभी नज़दीक इसके। सो गाइज आ गया हूँ मैं इस वाले रोबोट के सामने, अब देखते हैं इसमें चेक करते हैं कि वहाँ से आवाज़ यहाँ आ रही है नहीं आ रही, मैं सुन के देखता हूँ। बोलना चालू कर भाई, बोलो बोलो, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है गाइज यार, आवाज़ आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाता हूँ उसकी, बहुत धीरे आ रहा है लेकिन आवाज़ सुनाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। हेलो हेलो बोल बोल, हाँ भाई हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी, बोलिए, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी, हाँ हाँ आ रही है, चल ठीक है। सो गाइज देख सकते हो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज, अभी चेक भी कर लिया हमने और आप लोगों को सुना दिया आवाज़। यार गाइज ऐसा रोबोट तो यार दिल्ली का साइंस सेंटर दिखाया था मैंने आपको तो वहाँ पे नहीं था यार, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ये देख सकते हो अभी मेरे पीछे, ये देखो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखो, ये बड़ा सा जादुई नल, ये तो बहुत बड़ा है दिल्ली वाले साइंस सेंटर से काफ़ी बड़ा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के पार्क के अंदर, ये बाहर में ही आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी बड़ा में है ये, और इसमें भी वही जादुई नल है, वही इसमें बताना है आपको कि पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल कोई भी इस पाइप में कोई भी अंदर बाहर से कुछ भी इस पर हेल्प नहीं किया गया है। ये देखो ये जो आप देख रहे हो सामने, ये है लकड़ी, ये देख सकते हो ये लकड़ी है, इसको बस हेल्प देने के लिए खड़ा रखने के लिए है बस, ये देख सकते हो। ये देखो गाइस, तो गाइस कमेंट करना कि पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से गिर रहा है इसके अंदर। गाइज ये देख सकते हो ये भी काफ़ी मस्त है गाइज, ये देख सकते हो इसके दूसरे साइड पे पिंजरा है और इसके फर्स्ट साइड पे तोता है, ये देख सकते हो ये है तोता, इस धीरे से घुमाओ तो गाइज देख सकते हो धीरे से घुमाने पे आपको लग रहा है कि पिंजरा और तोता दिखाई दे रहा है अलग अलग, लेकिन अगर आप इसको जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो लगेगा कि तोता पिंजरे के अंदर है। ज़ोर से चलाओ, ये देखो गाइज देख रहे हो लग रहा है कि पिंजरे के अंदर कैद है तोता, अब धीरे धीरे चलाओ देखो सर, अब लग रहा है कि बिल्कुल अलग है, तोता अलग है और पिंजरा अलग है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको आकर के आप करना काफ़ी मज़ा आएगा आपको। गाइज ये घिरनी वगैरह है, घिरनी चालन, और ये देख सकते हो ये भी है बगल में, लेकिन ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है इसलिए इसको सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बाकी घूम घूम तो रहा है ये देख सकते हो, अभी इसको घुमा के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो अब चलते हैं गाइज आगे देखते हैं। गाइज ये देख सकते हो ये है रस्सा कस्सी, उधर से वो खींचेगा इधर से आप खींचो, रस्सा कस्सी नाम ही है इसका, रस्सा कस्सी, ठीक है नॉर्मल। ये देख सकते हो गाइज ये लाइट पूरा चालू करके छोड़ दिया है मैंने, अभी चलाया था इसको, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाइट निकल रहा है इसके अंदर से, देख सकते हो कि सारा लाइट दिख रहा है आपको इसके अंदर, ये देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, काफ़ी मस्त सारी चीज़ें हैं यार यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे यार, मतलब दिल्ली के साइंस सेंटर के मुकाबले देखा जाए यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग यार। हो गाइज ये है टिक टॉक, टिक टैक टो, एक ही बार घुमाओ ना खाली, बस एक ही बार, हाँ
घुमाओ, नीचे वाले घुमाओ। ओ गाइस देख सकते हो यार कुछ इस तरीके का बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं आगे गाइस, आगे देखते हैं। अभी ये मछली दिख रही है, मछली के पास चलते हैं। सो गाइस देख सकते हो ये है मेरे पीछे मछली, और आपको इसको देख के क्या लगता है इसकी मैं खासियत बताता हूँ यार, इसकी ज़बरदस्त की खासियत है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये इसका आँख है गाइस मछली की, और ये देखो ये मछली का मुँह है। यहाँ से मैं बोलूँगा और इसके ठीक अभी पीछे चलते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस काफ़ी ज़बरदस्त है यार ये मछली का सीन, बहुत मस्त है। और ये देखो ये हम पीछे आ गए इसके, ये है इसका दूसरा सिरा। एक सिरे से भाई बोलेगा और उस साइड से आके सुनूंगा, इतना मस्त आवाज़ आ रहा है ना, मैं अभी आपको सुनाऊंगा अभी कि कैसा। आपको यहाँ पे आकर के बिल्कुल धीरे से हल्का सा बोलना है और उधर से बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। तो अभी चलिए चेक करते हैं गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो ये यहाँ पर आ गया है। सो गाइज मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगा माइक के थ्रू, तो देखते हैं माइक में अगर आवाज़ आता है या नहीं आता, बिल्कुल धीरे से बोलना है, बोलूंगा उसे। बोलियो भाई। हेलो गाइज, आ रहा है आवाज आप लोगों को? हेलो सर, हेलो हेलो भैया। और थोड़ा जोर से बोलना। ठीक है भैया, बिल्कुल बढ़िया है। और थोड़ा सा एक बार। मस्त है भैया, काफी जबरदस्त आवाज आ रहा है यार, और बिल्कुल मस्त है। एक बार और स्लो में सुनते हैं, स्लो में देखते हैं। एकदम स्लो बोलो एकदम। हेलो भैया, आईपी जॉनी पंकज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धीरे से बोलो एक बार, यही चीज। हैप्पी जॉनी पंकज। अरे धीरे बोल। हैप्पी जॉनी पंकज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आवाज़ आई होगी यार, बहुत धीरे भी बुलवाया और नॉर्मल भी बुलवाया, तो काफ़ी फ्रेश आवाज़ आ रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त आ रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मछली है यार इसका, इसका पेट के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें छुपी हुई है यार। चलिए गाइस अब चलते हैं आगे, देखते हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। तो गाइस देख सकते हो ये है डीजे वाला ड्रम, इस पर आप देख रहे हो, आपने देखा होगा काफ़ी फॉरनर वगैरह को बजाते हुए इसको, ये यहाँ पर भी है। अगर आप बजा सकते हो, आपको अगर आपको बजाना आता है गाइस तो आप आकर के यहाँ बजा सकते हो, काफ़ी मस्त है। हाथ से बजाने में भी मज़ा आ रहा है, ये देखो, अगर लकड़ी से बजाने में और मज़ा आएगा यार, काफ़ी बहुत मस्त मस्त चीज़ है, ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। और दूसरा ये जो वहाँ पे भी था, ये आप बजा सकते हो इस सब पे एक एक बार करके। काफ़ी मस्त है, बजा सकते हो आप इसको। अब चलते हैं गाइस आगे, ये था ड्रम पीछे, और ड्रम बजा के दिखा दिया आपको, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यो यो हनी सिंह वाला यो यो है ये, मस्त है। अब देखो बिल्कुल स्टेबल हो गया, ये लपेट दिया, अभी लपेट देता हूँ थोड़ा, और लपेटने के बाद मैं इसको छोड़ता हूँ। अब ये देखो छोड़ दिया, अभी नीचे आया, ऊपर जा रहा है, ये देखो आराम से देखोगे बिल्कुल तो पता चलेगा इसको। ये देखो नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मस्त है गाइस। इस चीज़ को देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देख सकते हो बीच में है इसके दीवार, बीच में इसके दीवाल है, और यहाँ पे ये है, यहाँ से देखेंगे तो दीवाल के आर पार दिखाई देगा बिल्कुल। ये देखो ये बिल्कुल ठोस दीवाल है, ये देख सकते हो। ये देखो गाइस छोटा सा दिख रहा है आपको, ये कैमरा दिख रहा होगा मेरा, और छोटा सा देखो फेस दिख रहा है उधर से, वो भाई देख रहा है उस साइड से, और देखो, और यहाँ पे गैप कितना है, ये देखो इस दीवाल से कितना ज़्यादा गैप है, क्या है वो गाइस, ये देखो यहाँ से इसको भी घुमाएंगे इसको, ये देखो यहाँ पे कितनी घूम रही है, ये देखो जोर जोर से घुमाने पे गजब। सो गाइस ये देख सकते हो, ये है वो लेंस जिससे आपको बचपन में बहुत करते होगे, लेंस लेकर के कागज़ के टुकड़े को चला देना सूर्य के किरण में रख करके। सो गाइस इसके पार्क के अंदर आप बैठ भी सकते हो, ये देखो काफ़ी मस्त बनाया गया है बैठने बैठने के लिए। गाइस देख सकते हो ये है, आप इसके ऊपर चढ़ोगे, मैं अभी देखो इसके ऊपर चढ़ूंगा, तो ये आपका एक बार चढ़ के थोड़ा सा धीरे से आगे जाओगे आप, और उसके बाद ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो जहाँ पे ये स्टेबल होगा तो इससे आपका वेट जो है वो मेज़र कर देगा ये। अभी देखो मैं इसको चढ़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये अभी नीचे गया, मैं नीचे आ गया, अब थोड़ा सा आगे जाऊँगा इसके, ये देखो आगे जा रहा हूँ, ये देखो अब ये लेवल पे आ गया, बिल्कुल उठ गया ये, तो मेरा वेट करीबन 65 के ऊपर है मेरा वेट। तो गाइस देख सकते हो ये है कानाफूसी इस वाले रॉड के अंदर, इस गोले के अंदर, और दूसरे साइड पर भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो दूसरे साइड वहाँ पे है दूर पे, तो अभी गया है वहाँ से बोलेगा तो मैं यहाँ पे सुनूंगा, देखता हूँ अभी आवाज़ इसमें आती है या नहीं आती है इसके अंदर, अभी कान लगा के सुनता हूँ देखता हूँ। हाँ आवाज़ आ रही है, ज़ोर से बोलो थोड़ा गाइज, आवाज़ आ रहा है यार, आवाज़ आ रहा है गाइज। तो गाइज इसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, बिल्कुल इसमें आवाज़ें आ रही हैं, तो आप आना तो ज़रूर ट्राई करना इसको। चलिए गाइज अब फाइनली अंदर चलते हैं, साइंस म्यूजियम के अंदर चलते हैं,
अभी हम लोगों ने बाहर का दिखाया आपको, अभी चलते हैं साइंस सेंटर के अंदर, अभी देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर सारी चीज़ें। तो गाइज ये भी देख सकते हो, ये भी बहुत मस्त चीज़ है। अभी इसके अंदर बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होकर के काफ़ी दूर तक जाती है, और एक बार बोलने पर काफ़ी ज़्यादा इसमें सराउंडेड होता है। और दूसरे साइड पर, दूसरे साइड से बोल रहा है बंदा भी, मैं सुनता हूँ देखता हूँ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। बोल एक बार। हाँ हेलो। हाँ भाई। अरे बहुत तगड़ा आवाज़ आ रहा है भाई। गाइज ये देख सकते हो यहाँ पे तीन रखे हुए हैं तौलने मेज़र करने वाले, ये तीनों जो देख रहे हो वेट मेज़र करने वाले, ये तीनों का वेट 20 केजीज है, बिल्कुल इक्वल। लेकिन अभी मैं एक एक करके सबको खींचूंगा ऊपर की ओर और देखूंगा कि क्या इक्वल वेट लग रहा है, क्या अभी है क्या इसमें, कि आप तीनों को एक एक करके अगर आप उठाओगे तो किसी में बहुत ज़्यादा वेट लगेगा, किसी में बहुत कम। अभी देखता हूँ मैं उठा करके इसको। देखो गाइस ये कहाँ से उठा रहा हूँ बहुत, और ये काफ़ी वज़न है इसमें, ये 20 किलो का है बट इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा भारी लग रहा है। अब दूसरे को देखता हूँ, ये गाइस देखो नॉर्मल उठ गया, ये देखो नॉर्मल उठ गया, ये उतना वज़न नहीं लग रहा है। अब इसको ट्रैक चेक करते हैं, ये गाइस उससे भी ज़्यादा हल्का है। गाइस सबसे भारी ये वाला है, लास्ट वाला सबसे भारी ये वाला है, उससे थोड़ा सा हल्का ये वाला है, और इससे भी हल्का ये वाला है। तो मतलब तीनों का सेम वेट होने के बावजूद भी कोई ज़्यादा भारी लग रहा है, कोई उससे हल्का लग रहा है, कोई उससे भी हल्का लग रहा है। तो मस्त चीज़ है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप आकर के बिल्कुल देखो, काफ़ी सारी चीज़ें पटना साइंस सेंटर। गाइस अब चलते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या है इसके ऊपर, और इस रस्से वाले पे देखते हैं, चेक करते हैं। गाइस ये देख सकते हो, ये काफ़ी मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी इस पर आपको दिखाएंगे करके। ये देखो ये ऊपर तक गया हुआ है, रस्सी इसमें लगा हुआ है, और इसके ऊपर अभी चढ़ेंगे। तो इसके ऊपर चढ़ना ज़रा, अभी इसके ऊपर चढ़ के, इसके ऊपर चढ़ के, और ये जो रस्सी है इस रस्सी को आप खींचोगे तो आप धीरे धीरे देखो ऊपर जा रहे हो, खींचना। और देखो काफ़ी उठ चुका है, हाइट लिया है ज़मीन से, देखो देखो काफ़ी खींचा। अब धीरे धीरे छोड़ना, छोड़ दो पूरा, काफ़ी मस्त है यार। अब चलते हैं गाइज आगे, इस वाले को चेक करते हैं इस पर क्या है। तो गाइज अभी मैं दिखा रहा हूँ आपका इस होलोस्कोप का कमाल, इसका मस्त गजब दिख रहा है यार। ये देखो आप पहले बाहर देखो, मेरे पीछे देख रहे हो पेड़ पौधे दिख रहे हैं पीछे, और ये गाड़ी घूम रही है। इसके अंदर देखेंगे गाइज, इसके अंदर देखेंगे तो वही बाहर की चीज़ें उल्टा दिखाई देगी इसके अंदर देखने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। और ये बिल्कुल इस बाउंड्री के बाहर है वो रोड, और ये जा रही बसें वगैरह जा रही हैं जितनी भी, काफ़ी मस्त इंटरेस्टिंग है गाइस। देख सकते हो अभी मैं इसके अंदर, आपको थोड़ा सा दिखेगा आप, क्योंकि प्रॉपर दिख नहीं पाएगा, आप खुली आंखों से देखोगे तब आपको क्लियर दिख पाएगा। अभी आपको हल्के फुल्के घास दिखाई देंगी, बिल्कुल भी थोड़ा सा हल्का सा दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाएगा आपको। तो गाइस देख सकते हो इस वाले जोकड़ को, ये देखो ये जोकड़ है काफ़ी ऊपर देख रहे हो, और ये देखो नीचे, और यहाँ से देखेंगे बिल्कुल इस वाले लेंस में देखेंगे तो बिल्कुल जोकड़ दिखाई देगा ठीक सामने। ये देखो थोड़ा सा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सामने दिख रहा है गाइस। देख सकते हो ये मस्त बैठ करके आप घुमा सकते हो, बीच में हैंडल दिया गया है और इसको आप घुमाओगे तो ये गोल गोल घूम रहा है, ये देखो काफ़ी मस्त है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं साइंस सेंटर के अंदर, ये है अंदर का नज़ारा, ये देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर यार, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बट यहाँ पर क्राउड उतना नहीं है, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस देख सकते हो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे पियानो से, और ये है म्यूज़िक इन द एयर, इसके ऊपर आप हवा में करेंगे बिल्कुल सेंसर टाइप का, ये देखो ऊपर से ये बजने लगता है, ये देखो काफ़ी मस्त है, ये बिना इसको छुए ही कोविड का नियम का पालन कर रहा है, मस्त है, बिना छुए आप इंजॉय कर सकते हो। अब दिखाते हैं गाइस अगला, ये है आलंग छाया फॉर्जन शैडो, अभी इसके अंदर चल के देखते हैं शैडो कैसा आ रहा है। आप यहाँ पर हाथ चिपकाओ, यहाँ पे आप हाथ चिपकाओगे, अभी लाइट आएगी इसके ऊपर, अभी देखना देखो लाइट जल गया गाइस, अभी इसका शैडो बनेगा, हाथ हटाओ, ये देखो गाइस मस्त बनाया, अभी देखो अभी दिल बनाओ इसमें दिल, ये देखो लाइट जला, अब हट जाओ, ये देखो गाइस क्या शैडो बनाया, मस्त मस्त है यार, इसके अंदर काफ़ी मस्त चीज़ है गाइस, इसको देख सकते हो। ये है क्लैपिंग पेड़, अगर आप इसके सामने क्लैप करोगे ज़ोर ज़ोर से तो इसके अंदर पूरा लाइट वगैरह सारी जल जाएगी। एक बार क्लैप करो, जल्दी जल्दी करो 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 करो, कमान 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 कमान, ये देखो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये देखो गाइस क्लैपिंग हो रही है, काफ़ी मस्त लग रहा है, ये देखो सभी मिलकर क्लैप कर रहे हैं और ये लाइट जल रहा है इसके अंदर, ये देखो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा बहुत मस्त। ये देखो गाइस ये रहा बॉल और इसके अंदर जाएगा बिल्कुल फास्ट में, छोड़ो ये देखो गाइस कहाँ गया पता भी नहीं चला। गाइस अगला देख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जो स्विच है इसका, अभी इसको ऊपर से
बस ऊपर से रख, ऊपर ही करना, ऊपर रखो हाथ, उसको ऊपर हाथ हिलाओ, बस ये देखो गाइस सेंसर से चालू हो गया ये, और ये देखो क्या मस्त है, वेलकम टू SSC पटना, क्या मस्त लिखा हुआ आ रहा है, और कैमरे में बिल्कुल गाइस क्लियर पता चल रहा है, आप जब सामने आके देखोगे तो उतना क्लियर नहीं है जितना कि कैमरे में आपको दिख रहा है क्लियर। चलते हैं गाइस आगे देखते हैं, ये है पक्का निशानेबाज, और ये रही इसकी राइफल, ये देख सकते हो राइफल है यहाँ पे, और निशाना लगाना है यहाँ पे, काफ़ी मस्त है गाइस। बाहर बड़ा जादुई नल था, अंदर छोटा जादुई नल है, और बिल्कुल सेम दिल्ली जैसा है, दिल्ली वाले साइंस सेंटर की जैसा ही है गाइस, ये देख सकते हो काफ़ी मस्त है। अभी देखो इसको दिखाते हैं, अभी ये देखो क्या मस्त मेटल डिटेक्टर है यार, गजब का मस्त है, मस्त है गाइस। ये देख सकते हो ये है कलाबाद छड़ी, और ये गजब की छड़ी है यार, बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये देखो इसके अंदर से वो गजब का मूव करती है बिल्कुल बिना टच किए हुए, ये देखो स्टार्ट हो गया वो मूव करना, देखो कैसे क्रॉस कर रही है, काफ़ी मस्त है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी देखो इसको टच करूँगा, ये बिल्कुल चालू हो गया है, और ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर छल्ले घूम रहे हैं। अरे बस बस बस, हेलो तो गाइस सुन रही है, बास्केटबॉल को गाइस अभी मैं बास्केट के अंदर डालूंगा, देखता हूँ इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है या नहीं। ओ ये तो बाहर चला गया, वन मोर टाइम गाइस, ओ ओ ओ यार, ओ ओ ओ गाइस मैं डालते थक गया यार, अभी तक गया नहीं बास्केट के अंदर। ओ ए वन मोर टाइम बस ओ वाह, गया घुस गया यार मजा, बस नहीं गया। चलो चेंज, इसके बाद चेंज करोगे, लास्ट है। ओह वाह, तो देखो गाइस अभी भाई कर रहा है, अभी डाल के दिखाएगा अभी आपको। ओ वाह यार कमाल कर दिया भाई, भाई हाय कर दे यार एक बार इधर, गजब यार, क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, खेलते हो क्या आप? अरे इसी वजह से यार काफ़ी गजब मस्त डाला मस्त। सो गाइस भाई लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए श्री कृष्णा साइंस सेंटर, तो इन लोगों ने एक्चुअली पूरा कवर कर लिया और घूम लिया इन लोगों ने, तो इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इनको यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी और क्या क्या इनको अच्छा लगा। यहाँ पे सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे कि 30 रुपये यहाँ पर टिकट प्राइस है, तो क्या लगता है आपको 30 रुपीज़ में बढ़िया है या फिर ठीक ठाक है? नहीं अच्छा, मतलब बच्चों को अगर क्रिएटिविटी करने के लिए आपको अच्छा है बच्चों के लिए? जी हाँ, बहुत सारा क्रिएटिविटी आपको करने को मिलेगा, जैसे बच्चों का इंटरेस्ट भी इसमें जगता है, और आप साइंस के बारे में आप लोग भी बिल्कुल आए यहाँ पे पटना श्री कृष्णा साइंस सेंटर पे, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और ख़ास करके कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको यहाँ पर बिल्कुल लेकर के आए घुमाने के लिए, ताकि उनको अच्छे से पता चल पाए साइंस के बारे में। देखो गाइस ये है आपका उल्ट्री चिंगार, ये देखो एक बार फिर से, देखो गाइस क्या स्पीड में आ रहा है गाइस, इसके अंदर प्रकाश दिखाई देता है, बहुत सारे कलरफुल है, देखो अभी अंदर हाथ डाला हुआ इसके अंदर, देखो लाइट जल रहा है, अब हाथ हटाओ उसके अंदर से, देखो गाइस प्रकाश नहीं दिख रहा है, अभी देखो दबाओ उसको और फिर हाथ डालो, देखो गाइस लाइट जल रही है, प्रकाश दिख रहा है ऐसा लग रहा है। तो गाइस इसके अंदर देखो अभी ये जो चक्का है ये देख सकते हो, इस चक्के को ज़ोर से घुमाने में बिल्ली, ऐसा लगा कि बिल्ली दौड़ रही है इसके अंदर, ये देखो एक्चुअली इसका सेंसर के ऊपर ये देखो फ्लो होने लगा बिल्कुल। सो गाइस ये प्लेट फ्लो करता है थोड़ी देर के लिए हवा में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गाइस यार लिटरली बताऊँ मैं तो मुझे ये वाला बहुत मस्त लगा, उठता हुआ बुलबुला, देखो बस बस
तो गाइस ये देख सकते हो, ये पानी का टब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल रोटेट होते हुए बिल्कुल एकदम पतला सा लंबी सी बन जाता है। अभी दिखाते हैं अभी आपको, ये देखो गाइस पानी पहले भी घूम रहा है बिल्कुल, ये देखो रोटेट कर रहा है पानी। अब देखो धीरे धीरे पतली सी लंबी सी बन गई, ये देखो क्या मस्त ऐसा लग रहा है कि प्योरीफाई कर रहा है एकदम, ये एकदम फिल्टर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चक्रवात वगैरह आते हैं ना जो समुद्र वगैरह में, वैसा लग रहा है बिल्कुल। फर्स्ट फ्लोर पर गाइस चिल्ड्रंस गैलरी वगैरह है, चिल्ड्रंस के घूमने के लिए, चिल्ड्रंस का खेलने वगैरह के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, आपके हाथों में कितनी मस्त पकड़ है, आप फ्लेक्सिबल हैं, बिल्कुल भी टच नहीं करना है इस पर। सो गाइस ये देख सकते हो, इसके अंदर आप कोई सा भी गेटअप ले सकते हो, किसी भी गेटअप में आप आ सकते हो। आपको यहाँ पे अपना फेस जो है इसके अंदर रखना है, और इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये है अलाउद्दीन वाला, ये अलाउद्दीन का चिराग काफ़ी मस्त है। इसके साथ आपको फ़ोटो खिंचवाना है तो आप इसमें अपना फेस रख सकते हो, और ये देखो ठीक सामने इसके ये LCD में देखो शो हो रहा है सारा, तो इसके अंदर आपको दिखाए सारा दिखाई देगा, तो इसमें आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो, काफ़ी मस्त है। अभी आपको किड्स वाला दिखा दिया, बच्चों वाला, अब चलते हैं आगे। तो गाइस देख सकते हो इस वाले मिरर में कितना सारा दिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये भूल भुलैया की तरह है, काफ़ी मस्त है। ये देखो कितना सारा, फ्रंट से देखोगे तो आपको बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा लेकिन कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, खिल फूल निकल रहा है। ये देखो गाइस क्या मस्त व्यू है, ओहो बिल्कुल खिलता हुआ फूल। अब इसको देखो मैं बंद कर रहा हूँ, ये देखो क्लोज होगा, ये देखो बंद हो गया फूल। अब इसको खोलता हूँ, ये देखो एक एक पत्ता खुल रहा है, ये देख रहे हो गुलाब खिल गया। ये देखो गाइस बिल्कुल LCD में आ रहा है प्रॉपर, क्योंकि कैमरा जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो इसका कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बिल्कुल स्टूडियो वाला फील दे रहा है। तो नमस्कार साथियों, पूछता है भारत आप लोगों से, बताइए ये लड़का यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, भगाइए इसको यहाँ से, बहुत थाली में सर रख के परोसा जा रहा है ऐसा फील हो रहा है। ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे, हाँ। सो गाइज ये है यहाँ का भूल भुलैया, बिल्कुल सेम दिल्ली का जैसा लग रहा है, दिल्ली वाले साइंस सेंटर की तरह। अब चलते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो, नहीं निकले तो भैया पीट पीट के पीठ लाल कर देंगे तुम्हारा। कहाँ जाओगे? अरे बहादुरा किधर गया, किधर गया? अरे बहादुरा, अरे तेरी, ओहो पकड़ के ले जा रहा है बहादुर, आगे चल आगे चल आगे चल, कहीं लड़ ना जाए इधर। ओहो भाई इधर बंद यार, कोना में आ गया, कोने आ गया, बाहर जा रहा हूँ लग रहा हूँ, बाहर किधर, इधर इधर किधर, बाहर निकाल देगा तो दो चॉकलेट देंगे। ये भी है, इधर भी है, इधर भी है। सो गाइस यार भूल भुलैया से बाहर आ गए, यहाँ वाले पे भी काफी इंटरेस्ट है, और ये थोड़ा सा बड़ा है उस वाले से, तो काफी मजा आया इस वाले भूल भुलैया में भी, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा यार, कोने कोने में चले जा रहे हैं, और हाथ ऐसे आगे आगे कर करके, हाथ आगे करके चलना पड़ रहा है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा भाई। भाई भी एक्चुअली साथ में ही था, पता ही नहीं चल रहा था यार, कोने कोने में घुस जा रहे थे, तो भाई से पूछा नहीं चल रहा था किधर से बाहर निकलना है। आपको भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था निकलने में? जी निकलने में प्रॉब्लम तो हो रहा था भैया, मैं तो चिल्ला रहा था यार कि मुझे बाहर निकाल। नहीं नहीं ऐसे नहीं कर रहे थे, तुम नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं। चलो थैंक यू भाई। ये देख सकते हो गाइस, ये भी आप हैं, ये हर मिरर में अलग अलग शेप में दिखाई दोगे आप। ये देखो इसमें बोना दिख रहे हैं, देख रहे हो कितना बोना, पैर कितना छोटा सा दिख रहा है, बोने ऐसे हाय, और इस वाले में देखो जस्ट उल्टा ऊपर नीचे, और इसमें भी बोना ही है उल्टा है, लेकिन देख सकते हो गाइस ये है पार्क यहाँ का, डायनासोर पार्क। ये देखो ये इसका अंडा, ये भी हिला रहा है। सो गाइस इधर से आए थे हम लोग, ये है वेस्ट गांधी मैदान, इधर से आए थे हम लोग। मेरे को गाइस भूख लगी है, 100 ग्राम बनवा रहे हैं अभी अंकल जी से, 25 रुपए की है, बनाइए अंकल जी थोड़ा बढ़िया से।
बादाम है, और इसको क्या बोलते हैं? चना जोर गरम। बाबा गाना भी गा रहे हैं। बाबा शर्मा गए, मेरा रू भाग गया। अच्छा, ये ले आए? हाँ, ये लाते तो ऐसा तो बोलते नहीं कि आपका मेरा रू भाग गई। हाथ छोड़ा के डायरेक्ट? काफी समय हो गया क्या? तैयार हो गया हमारा गाइस अपना।